देवघर जाने के क्रम में हुआ बड़ा हादसा। स्कॉर्पियो गिरी खाई में, 7 लोग हुए जख्मी, वहीं 1 की इलाज के दौरान हुई मौत। परिवार वालों में मातम का माहौल, वहीं इलाके में पसरा सन्नाटा। सभी घायलों को स्थानीय लोग व पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। चल रही इलाज में सभी लोगों की हालत नाजुक। आपको बता दें कि ये घटना उस वक्त की है जब शाम को ये सभी लोग स्कॉर्पियो से तारापीठ दर्शन करने के बाद बाबा बासुकीनाथ धाम जा रहे थे। इसी क्रम में दुमका सिवड़ी मार्ग पर शिकारी पारा थाना क्षेत्र के पौरीडी के पास सड़क पर गिरे पेड़ की डाली के कारण स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी। ये घटना सोमवार की देर शाम की है। हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार चालक समेत 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल व्यक्ति संजय चौधरी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के 7 लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से तारापीठ में पूजा करने के बाद सोमवार की शाम वापस बासुकीनाथ धाम लौट रहे थे और पौरीडी के पास पेड़ की डाल की वजह से चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में सभी लोग जख्मी हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से 4 घायलों को इलाज के लिए PJMCH पहुंचाया गया, जहां मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड के सरफुद्दीनपुर गांव के 45 वर्षीय संजय कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। घायलों में मैदापुर की चंदेश्वर रजक सनी सास सरोज कुमार व सुजीत कुमार गुप्ता, मान बिशुनपुर का अशोक पंडित और वाहन चालक रोशी का मुन्ना भी शामिल है।